ऑलराइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग। तो यार आज का जो व्लॉग है बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सवात वैली। और जो मेरे साथ सिंध के दोस्त, ये देखें रेडी हैं सब, तो ये आए हुए हैं, तो इनके वो लेकर चल रहे हैं सवात। और सवात में जो है मालम जब्बा जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जो भी फेमस पॉइंट हैं वो घूमेंगे इंशाल्लाह, आपको भी दिखाएंगे। तो सब रेडी हैं तो चलते हैं फिर। अभी नाश्ते का सीन है, नाश्ते के बाद इंशाल्लाह हम सवात के रूट पे चल पड़ेंगे। तो जो भी फेमस पॉइंट आएंगे तो इंशाल्लाह वो मैं कैप्चर करूँगा और दिखाऊँगा वहाँ। अभी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है सवात का, तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल फूड है वो भी हम खाएंगे, टेस्ट करेंगे। बाकी उसके अलावा सीन जो है वो आगे आप इस वीडियो में चेक करें। अच्छा, तो गाइस साथ में हमारे ये वकार साहब कुरैशी और ये सलमान भाई। और ये तो सर, कहाँ तैयारी है आपकी? सर मेरी हॉस्टल की तैयारी है। इसकी हॉस्टल की तैयारी है यार, इसकी फीलिंग तो मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आप खुद समझ गए होंगे। इस बेचारे के अभी एग्ज़ाम है, तो हम जो है दोस्त हम दोनों जा रहे हैं और दो एक और कुलीग भी हैं साथ में, तो चलते हैं। वो अभी बाहर खड़े हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर से। सो फाइनली गाइज, हम इस्लामाबाद से निकल रहे हैं सवात की जाने। टोनी भाई बैठे हैं, टोनी भाई हाई कर दें। हेलो हेलो गाइस। तो जय हैरिसन भी हैं और सामने जो है दोस्त भी बैठे हैं, तो अभी जाएंगे एक अच्छी जगह पे नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम इंशाल्लाह सीधा जो है, हाँ जी, मोटरवे से जाएंगे। मोटरवे से जो है हम सीधा सवात वैली, और बीच में जो व्यूज़ आएंगे वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं नाश्ते के बाद। सो फाइनली गाइस, अभी थोड़ा स्टे हुआ है सवात के पीके का जो मोटरवे है, ये सामने थोड़ा रिफ्रेशमेंट पॉइंट है यार, यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। पुरसकून माहौल है और गर्मी भी इतनी नहीं है। सलमान भाई, गर्मी नहीं है? गर्मी बहुत कम है यार यहाँ पे, क्योंकि ऊपर इलाका ही ना, इस वजह से हवा भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। चलें, शुक्रिया आपने बता दिया, नॉलेज में इजाफा कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि पीके ऊपर है। कितना ऊपर है? थर्ड फ्लोर पे कुछ भी। चलो गाइस फिर मिलते हैं आपसे। यार मुझे तो एक बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, दो दिन से सोया नहीं, कल इनको सारा दिन घुमाया है। क्यों सलमान भाई? ऑलराइट, सो गाइस दिस इज सिचुएशन। और हम अभी मालम जब्बा की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ये जो है नहर देखी, तो दोस्तों ने इधर थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा है, तो अभी इधर यहाँ थोड़ा स्टे करेंगे और स्टे करने के बाद इंशाल्लाह यहाँ से फिर सीधा जाएंगे मालम जब्बा और वहाँ का भी सीन चेक कराते हैं। ये ज़रा आगे के सीन चेक करें। ऑलराइट, सो यार गर्मी बहुत थी, तो हमने डिसाइड किया फाइनली, मैंने इधर नहाया है और बहुत ठंडा पानी था, तो ये तो नहीं नहा रहे थे। तो ये गाइस है जैक हैरिसन, मज़ा आया ब्रो। बहुत मज़ा आया यार, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है यार, और बहुत मज़ा आया। ज़्यादा देर तो पानी में नहीं खड़ा जा रहा था, बस 5 मिनट कोई मुश्किल से खड़े हुए और नहाया। अभी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ये सीन्स चेक कर सकते हैं। सो गाइज, काफ़ी सफ़र करने के बाद भाई को चाय की तलब हो रही थी, तो हम इधर रुके हैं, चाय पी रहे हैं, अभी कड़क चाय बनवाई है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान की और भी बहुत सी जगह हैं माशाल्लाह देखने के लिए, घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए, लेकिन जो सवात का है ना, वो इसका लेवल अलग है। इसलिए इसको जो है पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। तो यार यहाँ पे लिटरली बहुत हमें मज़ा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रहे हैं। एक तो मुझे नींद भी बहुत आ रही है, उसके अलावा जो नज़ारे हैं ना गाइस, यहाँ पे आके बंदे का ना बस सारी टेंशन परेशानी एक साइड हो जाती है, और ये जो माहौल बंदा देखता है ना पहाड़ों में आके, और जो फीलिंग आती है वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता यार, बहुत मज़ा आया। और अभी तो सफ़र जारी है, इंशाल्लाह हम
थोड़ी देर तक मालम जब्बा पहुँच जाएंगे, फिर रूम बुक करना है, नाइट स्टे करेंगे हम। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन होगी वो आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी यार अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर इंशाल्लाह। तो सलमान भाई मज़ा आ रहा है आपको? यार बड़ा खूबसूरत इलाका है, बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ की चाय भी अच्छी है, जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है चाय अच्छी मिलेगी। मैं नहीं मानता, चाय तो भाई चाय का लेवल है। और आप खड़े हैं पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड सवात में, चाय का अपना लेवल है, घूमने का अपना लेवल है भाई यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज दोस्त इधर खड़े हैं सामने, तो अभी हम चाय हमने पी ली है मैंने, तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा मालम जब्बा, तो वहाँ पे सीन्स चेक करवाते हैं आपको। अच्छा गाइस, तो फाइनली 6 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं आखिरकार मालम जप्पा पे, और यहाँ पे हमने रूम लिया है। रूम चेक करवाता हूँ आपको, तो ये रूम है, तो जहाँ यहाँ पे जो इधर के लोकल रिहायशी हैं वो उन्होंने घर के बाहर इस तरह की बैठक टाइप वो बनाया होता है रूम, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको अगर रूम के बाहर के मनाजिर दिखाऊँ, तो ये विंडो लगी हुई है और ये बाहर पुरसकून माहौल, ये देखें ये हरियाली ही हरियाली इस साइड पे, तो ये देखें बर्ड्स किस तरह प्यारा आवाज़। तो ओवरऑल बेहतरीन एक व्यू आपको मालम जब्बा की साइड पे देखने को।